हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। तो सभी को एक बार फिर से स्वागत करते हैं मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो हाँ भाई लोग, जैसे कि बात करी यहाँ पे ठीक लोकेशन की, तो आप कुछ इस तरह के नज़ारा देख रहे हो इस वीडियो में। तो ये भी दोस्तों जो रोड है कनेक्टेड है जोजला मेन टनल के साथ। तो ठीक ये वाला एरिया है दोस्तों, सोनमर्ग से करीब 5-6 किलोमीटर आगे की ओर रास्ते। तो सोनमर्ग से ठीक पूरी तरह काम चल रहा है, सोनमर्ग से लेके मेन जो जोजला टनल स्टार्ट होता है बालटल तक भी दोस्तों काफ़ी तेज़ी से काम कर चुका है मेगा प्रोजेक्ट। हालांकि सोनमर्ग से लेके दोस्तों बालटल तक की कनेक्टिविटी के लिए जो ये मेन रूल निभाता है, सोनमर्ग से लेके जो ब्रिज हाईवे और 2 टनल स्नो गैलरी ये सब रूल निभाते हैं दोस्तों टनल को कनेक्ट करने के लिए सोनमर्ग के साथ। क्योंकि दोस्तों बालटल से शुरू होता है, जो रिकॉर्ड में लिखा जाता है कि बालटल के जो टनल है दोस्तों 13.2 किलोमीटर एशिया की सबसे लार्जेस्ट टनल। लेकिन दोस्तों उसी के वजह से ही जो ये वाले साइड आप देख रहे हैं इस समय इनको इंक्लूड नहीं किया जाता है, बल्कि ठीक 13.2 किलोमीटर को ही एशिया के सबसे लार्जेस्ट टनल कहा जाता है। अगर कुल मिला के बात करें तो सोनमर्ग से ले के ईस्ट पोर्टल यानी मीरामर्ग तक लगातार प्रोजेक्ट मैगा की तरफ से काम चल रहा है। तो कुल मिला के तकरीबन 218-219 किलोमीटर का काम इनकी तरफ से चल रहा है। तो इसीलिए दोस्तों मैं आपको 13.2 को छोड़ कर बाकी जो रिमेनिंग किलोमीटर्स बस उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, ये कुछ नज़ारा इस तरह रेडी हो चुका है। तो ये व्यू आप चेक कर सकते हो कितना प्यारा है भाई लोग, ये देखिए जी ये टनल का नज़ारा है। एंड यहाँ से दोस्तों टूवर्ड्स मेन बालटल की तरफ, यहाँ से ठीक सोनमर्ग से यहाँ की ओर, ये देखिए दोस्तों साइड से प्रोटेक्शन के लिए भी डाल चुका है ऑन बोथ साइड। तो ऑलमोस्ट ऐसा कह सकते हैं दोस्तों ये रोड रेडी हो चुका है। तो अब मैं थोड़ा आपको आगे जाके टनल के बारे में एक्सप्लेन करना चाहूँगा। बाकी आपने चेक किया दोस्तों नज़ारा कितना प्यारा है, और अब मैं थोड़ा यहाँ पर एक्सप्लेन करना चाहूँगा। जैसे कि बस ठीक मैं टनल 2 पर पहुँचने वाले हैं, जैसे कि आपने पॉइंट ऑफ व्यू चेक कर दिया कि कितना प्यारा लग रहा है जोजला टनल का व्यू। तो हाँ भाई लोग, अगर बात करें थोड़ा मैं आपको भाई पिक के जरिए समझाना चाहूँगा, क्योंकि वो आपको क्लियरली समझ आ जाएगा दोस्तों। तो फर्स्ट सीन ये रहा जी, एपको टनल से ठीक निकलते ही शुरू होता है दोस्तों मेकअप प्रोजेक्ट का काम। जैसा कि पहला ही काम शुरू होता है हाईवे रोड, आपको इंशाल्लाह मैं एपको टनल के बारे में भी अपडेट ज़रूर लाऊंगा दोस्तों इंशाल्लाह एक हफ्ते के अंदर। इसके बाद ही इस वीडियो के बाद मैं डाल दूंगा, फिलहाल आप यहाँ चेक कर सकते हो व्यू। तो ये रहा ठीक दोस्तों हाईवे रोड, उसके बाद हाईवे क्रॉस होते ही आपको ब्रिज 1 मिलेगा दोस्तों। ठीक अगर बात करें लोकेशन के, सोनमर्ग से पीछे है अभी, दोस्तों ब्रिज थोड़ क्रॉस होते ही यानी ब्रिज थोड़ के थोड़ा एक्सप्लेन करें तो दोस्तों सबसे लंबा ब्रिज है मेगा प्रोजेक्ट के अंदर में। जैसे कि 450 मीटर की लंबाई का ब्रिज बनाया जा रहा है, जो काफ़ी यहां पे आपको दिखेगी दोस्तों प्यारा वाला ब्रिज। और इस तरह से बात करें ठीक दोस्तों, ब्रिज थोड क्रॉस होते ही आप एंटर हो जाएगी जोजला की फर्स्ट टनल में। आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं व्यू, ये रहा जी जोजला टनल का फर्स्ट फेज और 2 ट्यूब सिंगल डायरेक्शनल टनल। एंड यहाँ से एक साइड जाएगी तो एक साइड निकलेगी गाड़ियाँ, एंड अंदर का नज़ारा कुछ इस तरह का। तो इस तरह से दोस्तों ये टनल क्रॉस होते ही आपको दिखेगी दोस्तों टनल 1 और टनल 2 को कनेक्ट करने के लिए बीच से एक रिवर फ्लो हो जाती है। इसीलिए इस 2 टनल को कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे आपको दिख रहा है दोस्तों एक प्यारा सा फिर से ब्रिज, मीन्स ब्रिज नंबर 4 ये रहा। तो बात करें ये चारों के चारों ब्रिज रेडी हो चुके हैं, बस थोड़े यहाँ पे अंडर कंस्ट्रक्ट है दोस्तों ये वाला, थोड़े काम चल रहा है ब्रिज नंबर 4 का।
एंड फिर इस तरह से टनल टू में एंटर होते ही दोस्तों ये अंदर का कुछ नज़ारा है। सो थोड़ा बहुत दोस्तों लेवे में काम चल रहा है एंड इसके बाद दोस्तों लेवे के काम ख़त्म होते आपको दिखेगी जी टनल टू भी मुकम्मल दोनों फेज। टनल वन भी मुकम्मल हो चुका है दोस्तों, पेंडिंग का काम बचा है और लाइटनिंग का, तो ये काम तो मसला नहीं है। बस दोस्तों थोड़ा इनको इसमें थोड़ा समय लगेगा पेंटिंग में और लाइटनिंग में, बाकी रेडी है टनल भी एंड इस तरह से टू के भी मैंने आपको बात कर दिया। और इस तरह से दोस्तों आपको बात करते करते आपको दिखेगी दोस्तों स्नो गैलरी टनल सेकंड क्रॉस होते ही आपको दिखेगी ये वाला सीन, आप चेक कर सकते हो जी जैसे मैंने आपका भी एक्सप्लेन कर दिया। एंड इसके बाद दोस्तों ये वाला सीन आपने जैसे कि अभी चेक किया एंड इसके बाद आपको टनल टू से टनल थ्रोट यानी मेन टनल तक पहुंचने के लिए आपको इन रास्तों से गुजरना पड़ेगा। तो ये वाला सीन है भाई लोग, चेक आप कर सकते हो जी व्यू कितना प्यारा है। एंड इस तरह से कुछ इस तरह के ये रास्ता क्रॉस होते ही दोस्तों आपको मेन टनल तक मैं अपडेट देना चाहूँगा जो काफ़ी भाई लोग कमेंट्स करते हैं। तो ठीक, अगर इस टनल की बात करें 13.2 किलोमीटर इसकी लंबाई भाई लोग, बहुत बार मैं बता चुका हूँ आप लोगों को। तो इसमें बात करें दोस्तों तो कुल मिला के अभी तक ना इसमें 13.2 में करीब 9.5 किलोमीटर के आसपास काम मुकम्मल हो चुका है ऑन बोथ साइड। जैसे कि बात करें दोस्तों ठीक, पहले मैं बाल तल से बात करना चाहूँगा। जैसे कि यहाँ पे दोस्तों करीब 5 किलोमीटर के आसपास, अब 5 किलोमीटर के आसपास काम क्लियर हो चुका है। तो इस तरह से दोस्तों थोड़ा फिर बात करें ईस्ट पोर्टल साइड से यानी जो एंड लोकेशन की बात करें मीना मार्ग साइड से, तो वहाँ पर भी दोस्तों काफ़ी तेज़ी से काम चल रहा था। तो बस कुछ इश्यू होने की वजह से करीब 1.5 महीने तक थोड़ा काम धीरे चला, बाकी कभी कभार हो जाता है दोस्तों। और बात करें बेहतरीन, बहुत ज़्यादा बेहतरीन, क्योंकि इन्होंने पिछले 1.5 सालों में इतना प्रोग्रेस निकला, इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया कि माइनस टेम्परेचर में भी यहाँ पे मेगा प्रोजेक्ट ने काम करके दिखाया भाई लोग। तो इनके लिए तो सल्यूट होने चाहिए, एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि विंटर में भी काम चलेगा, बस थोड़ा 1 महीने के लिए बंद रहता है काम बिकॉज ऑफ कुछ इशू रहते हैं यहाँ पे, सेफ्टी के लिए बंद किया जाता है, अदरवाइज इनके पास फैकल्टी है, बट फिर भी सेफ्टी के लिए ये लोग विंटर के समय टनल का काम बंद रखता है। फिर भी इतना करने के बावजूद भी भाई लोग के काफ़ी यहाँ पर इन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस दे दिया है, हमारे आने वाले फ्यूचर में काफ़ी ये हिस्ट्री बनेगा कि प्रोजेक्ट ने काफ़ी तेज़ से काम करके दिखाया। तो इस तरह से दोस्तों आपको मैंने कहा कि जोजला मैन टनल में करीब 9 किलोमीटर का काम क्लियर हो चुका है और मैंने 3.5 किलोमीटर का काम बचा हुआ है, 3-3.5 के आसपास काम बचा हुआ है। तो यही सीन है। और इस तरह से थोड़ा आप बात करना चाहेंगे जैसे जोजला मैन टनल 13.2 किलोमीटर इसके ऊपर साइड से दोस्तों 3 जगहों में काम चल रहा है ताकि ऊपर नीचे की ओर खुदाई करके टनल में कुछ ऑक्सीजन की कमी ना रहे, इसी वजह से दोस्तों 3 शाफ्ट का काम भी किया जा रहा है। तो शाफ्ट 1 शाफ्ट 2 शाफ्ट 3, तो इस तरह का अगर बात करें शाफ्ट 3 जो है दोस्तों वो मुकम्मल यानी क्लियर कर चुका है, ब्रेक थ्रू हुआ है। तो इस तरह से शाफ्ट 2 काम चल रहा है, शाफ्ट 3 भी काम चल रहा है। लेकिन एक गुड न्यूज़ है दोस्तों, जो शाफ्ट 3 है जो बालताल साइड से आता है, शाफ्ट 3 तक के एरिया को मुकम्मल तो कर चुके हैं, बस अब नीचे से भी खुदाई करके दोस्तों करीब 200 मीटर के आसपास जा रहा है शाफ्ट 3 के नीचे की ओर से खुदाई करके, ऊपर से भी काम और नीचे से भी, ताकि जल्दी से करने करके अंदर की ओर ऑक्सीजन को पहुँचाया जाए ताकि बंदों को दिक्कत ना रहे काम करने के लिए आने वाले फ्यूचर में। जैसे यहाँ से गाड़ियाँ चलेंगी दोस्तों उनके लिए भी यहाँ से ऑक्सीजन के लिए काफ़ी सही फायदा रहेगा, ये वाला जो शाफ्ट है नीचे की तरफ डिप्थ खुदाई किया जाता है। तो बस दोस्तों यही सीन है, आपको मैंने पूरा क्लियर अपडेट दे दिया कि पहले हाईवे, फिर ब्रिजेस, फिर हाईवे, फिर आपको टनल 1 शुरू होता है, फिर आपको टनल 2 स्टार्ट होता है, फिर आपको स्नो गैलरी, हाईवे, कट एंड कवर, सॉरी मैंने आपको कट एंड कवर के बारे में एक्सप्लेन नहीं किया वो चीज़, एंड उसके बाद आपको जोजला मैन टनल, फिर जोजला मैन टनल एंड होते ही ऊपर से जोजला मैन टनल के ठीक काम 3 जगहों में शाफ्ट 1, 2 एंड 3 सब के बारे में मैंने आपको अपडेट दे दिया। सो आई होप दोस्तों आपको इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा कुछ
जानने को मिला होगा। तो इस तरह के अपडेट जानने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और सजेशन देना दोस्तों कि मैं इस किस टाइप की वीडियोस को अपलोड करूँ अपने इस चैनल, क्योंकि बार बार टनल की वीडियोस मैं नहीं डाल सकता। इसीलिए दोस्तों कंसिस्टेंसी के लिए आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि किस टाइप की वीडियोस मुझे अपने चैनल पे या आप लोगों के चैनल पे अपलोड करना चाहिए, आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। सो थैंक यू, और काफ़ी उम्मीद है दोस्तों आपकी वीडियो पसंद आए होगी, और अगर आपको पसंद है तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और भाई लोग ज़रूर शेयर करना मत भूलिए। और मिलते हैं जी फिर से नेक्स्ट ईयर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और भाई को दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह मैं आप लोगों को दुआ में ज़रूर याद रखूँगा। सो थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।